नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। साथियों, अभी हम इस समय छिबरा मऊ के रसीद कोल्ड स्टोर में आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हो कि यहाँ पे आलू की निकासी बराबर हो रही है। जैसा कि साथियों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आज दिनांक 17 अक्टूबर है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम दिखाने जा रहे हैं कि बारिश से, ये देख पा रहे हो आप लोग, बारिश हो गई है और बारिश में इधर ये आलू आप लोग देख पा रहे हो, इतनी बारिश हुई है। अभी लगभग यहाँ पे छिबरा मऊ में एक घंटे से बारिश हो रही थी। हालांकि छिबरा मऊ क्षेत्र में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है जितनी कि फरकाबाद क्षेत्र में। जानकारी के लिए आपको बताते चला कि फरकाबाद क्षेत्र में बताया जाता है कि एक घंटे से लगातार बारिश हो रही थी और जो किसान भाइयों ने आलू की बुवाई करके रखी थी उनके खेतों में लगभग जो एक मेड़ सी होती है, कुड़ी बनाई जाती है, उसमें लगभग आधी आधी कुड़ी जो है वो डूब चुकी है बारिश से। अभी यहाँ के कुछ लोगों से जानते हैं, ये लोग तो कह रहे हैं कि अब बारिश हो गई है तो आलू का दाम और पक्का बढ़ेगा। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर अच्छा लगे तो दूसरे भाइयों को शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे ऑल वाली नोटिफिकेशन पे ना ऑन कर देना। उससे क्या होगा, जैसे वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे। तो चलिए बैक कैमरे से आपको एक बार कोल्ड स्टोर का नज़ारा दिखा देते हैं। क्यों आप लोग देख पा रहे हो, छिबरा मऊ क्षेत्र में अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी। हालांकि छिबरा मऊ क्षेत्र में बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी जिससे कि अधिकतम नुकसान हो। छिबरा मऊ क्षेत्र में हल्की बारिश हुई थी। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, यहाँ पे जो बारिश का पानी है, क्या है कि ये कुछ निचला हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर बारिश वगैरह आ गई थी और आलू वगैरह कुछ भींग गए थे। अब चलिए आगे यहाँ के कुछ लोगों से जान लेते हैं। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि अब बारिश हो गई तो आगे चल के दाम पक्का बढ़ेगा, तो यहाँ के कुछ किसान भाइयों से बातचीत कर लेते हैं कि आने वाले समय में आलू का भविष्य कैसा होगा और बारिश से क्या कैसा असर पड़ा है। तो चलिए मेरे साथ इधर कुछ किसान भाई मिलेंगे। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे जो आलू की कटाई वगैरह है वो बराबर जारी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो आलू निकाले जा रहे हैं ये टोटल आलू किसान भाई ही निकाल रहे हैं, क्योंकि इस समय बुवाई का समय चल रहा है और इधर जो है बारिश वगैरह चल रही है। इधर आप लोग देख पा रहे हो बारिश के माहौल को देखते हुए भी यहाँ पे निकासी का जो रुख है बराबर जारी है। अब हमारे साथ रसीद कोल्ड स्टोर के मैनेजर सर जी हैं। चाचा, क्या नाम आपका? खुशनूर। अच्छा चाचा, ये बताइए कि अपने कोल्ड स्टोर से एक दिन में कितने कट्टों की निकासी हो पा रही है? करीब 4000। करीब 4000 कट्टे डेली जी। अच्छा, एक बात ये बताओ कि यहाँ पे ख्याति और पुखराज आलू क्या भाव चल रहे हैं? 300 से 350। 300 से लेकर और 350 रुपए बचत, मतलब 350 का 350 रुपए। अच्छा, आप ये श्रीनाथ चिपोना सुगर फिर नहीं, उसको क्या बोलते हैं, श्रीनाथ नहीं, श्रीनाथ जी फोर 1500 रुपया क्विंटल बिका हुआ। 1500 रुपया क्विंटल। न्यू आइलैंड 600 रुपया बचत, 650 रुपया बचत, 600 और आपका सिंदूरी 570 से 600 बचत में। अच्छा, ये बताइए कि आज अपने छिबरा मऊ क्षेत्र में जो बारिश हुई है इससे क्या असर पड़ेगा आलू पर? आलू की बुवाई प्रभावित हो जाएगी। बुवाई मतलब रुक जाएगी? रुक जाएगी। और जो बुवाई हो चुकी है उसमें नुकसान तो नहीं होगा? नुकसान नहीं होगा। अगर जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं, इतनी देखो ना आज बहुत ज़्यादा, इधर आप लोगों को ना बैक कैमरे से मैं दिखा दे रहा हूँ बारिश कितनी मतलब हो रही है, मौसम कैसा है पा रहे हैं, बहुत घने घने बादल से छाए हैं और लोगों का कहना है। अच्छा, अब ये बताइए चाचा कि अपने क्षेत्र में बुवाई वगैरह का स्टेटस क्या चल रहा है? निकासी वगैरह बुवाई के लिए हो रही है या बिक्री भी हो रही है? बुवाई के लिए, टोटल बुवाई के लिए हो रही है। भाई, तुम देख पा रहे हो कि बरामदे में जितना भी आलू लगा बाहर निकला पड़ा है सब किसानों का है। किसान, आपके अनुमान से आने वाले समय में आलू का भविष्य कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। जैसा कि किसान भाई कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि दाम और बढ़ जाए। हाँ, तो बढ़ सकता है, हो सकता है अगर बारिश हुई तो, बारिश होगी तो बढ़ सकता है दाम। अच्छा, फिर भी आप किसान भाई से क्या कहना चाहेंगे, जो किसान भाई सोच रहे हैं आलू को रखें या बेच दें उसके बारे में? निकालना ही अच्छा है, ये कोई देख, मतलब एक मौका मिल जाता है ना, मौका मिले तो निकाल दो भाई। अच्छा सर, तो ये तो थे हमारे साथ इस कोल्ड स्टोर के मैनेजर सर जी, जिनसे आपने बातचीत की। तो साथियों, क्या है, छिबरा मऊ क्षेत्र में आज लगभग थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, उससे कोई खास इफेक्ट ना पड़ेगा, लेकिन फरकाबाद क्षेत्र में बारिश थोड़ी ज़्यादा हुई थी लोगों ने मुझे बताया है। वैसा आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये एक चीज़ क्लियर करूँगा कि वहाँ पर आज की बारिश से क्या नुकसान हुआ है फरकाबाद क्षेत्र में। लोग देख पा रहे हो अभी यहाँ पर छिबरा मऊ क्षेत्र में जब बारिश हुआ था तो बारिश में जो किसान भाइयों ने आलू को
निकासी वगैरह कर रहे थे। हालांकि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है जिससे कि ज़्यादा नुकसान हो पाए। ये कुछ निचला हिस्सा है जहाँ पे ये आलू आपको भींगे दिखाई दे रहे हैं। लग छिबरा क्षेत्र में बहुत ही कम बारिश हुई थी, हो चुकी है यहाँ पर। जैसे देख सकते हो ये निकासी का आलू पड़ा हुआ है बाहर।